नवरात्रि के पावन पर्व पर देश के करोड़ों भक्त देवी दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। ये सादगी और स्वच्छता का त्यौहार है और इस त्यौहार में करोड़ों लोग व्रत भी रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस व्रत में आप क्या खाते पीते हैं, साथ ही ये भी बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिए हमारी ये खास पेशकश। माँ की आस्था का दरबार सज चुका है। आस्था की ज्योति चारों ओर जगमगा रही है। घर से लेकर मंदिर तक चारों तरफ लोग शक्ति की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ये वो पावन पर्व होता है जब कोई आदि शक्ति माँ अम्बे की साधना में नतमस्तक होता है। कोई श्रद्धा सुमन के साथ माँ से मुरादें मांगता है। शारदीय नवरात्र का समय है, यानी कि वो 9 दिन जब माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद आराधना और उपासना में लग जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 पावन दिन भक्तों के लिए खास है। इस खास पर्व पर देवी दुर्गा के भक्त सादगी के साथ स्वच्छता का तो ख्याल रखते ही हैं, साथ ही पूजा की विधि विधान और खान पान तक का खास ख्याल रखते हैं। नवरात्र के उपवास के दौरान राजसी और तामसी भोजन से दूर रहकर सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। नवरात्रि में व्रत में अनाज का सेवन वर्जित होता है। उपवास के दौरान ज्यादातर भक्त कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो साथ में राजगिरी और साबूदाना भी व्रतियों के भोजन का मुख्य आधार होता है। इस व्रत का मकसद होता है तन और मन को पवित्र रखना। देवी की कृपा पाने के लिए कई भक्त 9 दिन तक उपवास रखते हैं, जिसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारणों का भी दावा किया जाता है। शरद नवरात्र सितंबर अक्टूबर में आते हैं और ये मौसम में परिवर्तन का समय होता है। मौसम में आ रहे बदलाव की वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो रही होती है। ऐसे में नवरात्र का ये उपवास हमें गरिष्ठ, ऑयली और जंक फूड से दूर रखता है और ये शरीर की इम्यूनिटी को संतुलित करता है। फास्टिंग हमारे हिंदुस्तान में एक इसकी स्पिरिचुअल मान्यता काफ़ी मानी जाती है, तो फास्टिंग एक तरीके से बहुत अच्छा है क्योंकि एक ही हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा इससे वेट लॉस भी होता है, वजन भी हमारा कम होता है, क्योंकि अगर हम कुछ खा नहीं रहे तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा है, तो ग्लूकोज हमारा शरीर को एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करता है कि जो हमारे फैट सेल्स हैं उससे ग्लूकोज लेता है और उससे हमारे फैट सेल्स जो हैं वो बर्न हो जाते हैं, इस वजह से हमारा वज़न भी इससे कम होता है। और तीसरी चीज़ ये क्या करता है, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है उसको बढ़ाता है, हमारे अंदर जो है हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, उसको और ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट करता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम फास्टिंग करें। नवरात्र के दौरान जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी प्याज और लहसुन से परहेज करते हैं, तो आयुर्वेद भी इसे मौसम में बदलाव के हिसाब से सही ठहराता है। लेकिन सवाल है कि आखिर अन्न और फल में फर्क कैसे होता है? अगर नवरात्र में कुट्टू के आटे का इस्तेमाल होता है तो इसका इस्तेमाल होता क्यों है? इस व्रत से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं जो माँ दुर्गा की श्रद्धा से जुड़ी हैं, आस्था से जुड़ी हैं। दिल्ली से अपर्णा त्यागी और नोएडा से दीक्षा पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। 9 दिनों तक मनाए जाने वाले देवी दुर्गा के त्यौहार में ज्यादातर भक्त खाने पीने में कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करते हैं। इसे शुद्ध माना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इस आटे में ऐसे कई गुण हैं जो शरीर को निरोगी बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। नवरात्र में देवी दुर्गा की आराधना करने के साथ साथ लोग उपवास रखते हैं और ये उपवास ही है जिसका असर घर घर में, किचन में भी दिखता है। पूरा घर खुशबू से महक उठता है और घर में दाखिल होने वाले मेहमान खुशबू से ही फलाहार का जायका पहचान लेते हैं। व्रत रखने से न केवल मन शांत होता है बल्कि सेहत भी सुधरती है और इसकी वजह बनता है कुट्टू या फिर बकवीट, जिसके आटे का घर घर में सेवन होता है।
नवरात्र में 9 दिनों में दुर्गा माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, 9 उनके स्वरूपों की पूजा की जाती है, साथ ही साथ व्रत रखा जाता है। व्रत में आप फलार खाते हैं और जिसमें आप अन्न नहीं खाते हैं, कई तरह के व्रत रखे जाते हैं। और ऐसे में क्या किस टाइप का खाना बनता है, इस वक्त हम मौजूद हैं एक घर में, यहाँ पे प्रिया जी हैं जो आज नवरात्र के लिए कुछ सामग्रियाँ, कुछ खाना, फास्ट वाला फूड बना रही है, इनसे जानते हैं। प्रिया जी क्या बना रहे हैं अभी आप? मैं ये कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बना रही हूँ। इसमें मैंने कुट्टू का आटा, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्च डाली हैं। अब इसको मैं पानी में मेश करके फिर फ्राई करूँगी। तो जब ये कुट्टू की जो बनाते हैं, ये फल के रूप में खाया जाता है, और इसमें जब क्या क्या एहतियात बरतते हैं, मतलब जब नौ देवी का फास्ट है, कितनी साफ स्वच्छता से बनाते हैं? का बहुत सफाई से बनाना पड़ता है ये सारा नवरात्रों का खाना, बिल्कुल सारा साफ करके अच्छी तरह से, कुछ भी झूठन नहीं होनी चाहिए, काफी अच्छी तरह बनाते हैं। नवरात्र में क्या क्या जो खाने की सामग्री होती है, जो जो फास्ट हम किस किस चीज से खोलते हैं? कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ होती हैं, आलू की सब्जी होती है, फ्रूट भी होते हैं, और चिप्स, आलू की चिप्स होती हैं। इन सब चीज़ों से ही नवरात्रों का व्रत खोला जाता है। वैसे कुट्टू नाम आपको जाना पहचाना लग सकता है, लेकिन इस नाम से कुट्टू को हर जगह नहीं समझा जा सकता। इसका वैज्ञानिक नाम बकवीट है और इसे फूड रेटिंग में हेल्थ के लिहाज से बहुत ही ऊपर रखा गया है। बकवीट या कुट्टू सुनने में भले ही आपको अनाज का नाम लगता हो, लेकिन ये एक फल माना गया है। ये घास परिवार का सदस्य है और इसके ही फूलों से काला मधु तैयार किया जाता है। और चूंकि ये फल है, इसीलिए कुट्टू का इस्तेमाल फलाहार में किया जाता है। अब कुट्टू का फायदा और नुकसान भी समझ लीजिए। इस आटे की तासीर गर्म होती है, जिससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। कुट्टू का आटा ग्लूटेन फ्री होने के साथ साथ काफी पौष्टिक होता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और विटामिन बी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इस आटे में आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कई मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो कि व्रत के लिए पौष्टिक आहार माने जाते हैं। कुट्टू के आटे में कई बीमारी को भगाने की ताकत होती है। बताया जाता है कि इसके सेवन में ब्लड प्रेशर और मोटापा जैसी बीमारियां दूर होती हैं। कुट्टू के आटे में सैचुरेटेड फैट बिल्कुल कम होता है, जो डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वहीं कुट्टू के आटे में काफी मात्रा में फाइबर होता है, जिसका सेवन करने से लंबे वक्त तक पेट भरा रहता है, जो मोटापा कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, उनके लिए कुट्टू का आटा बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कुट्टू के आटे के सेवन से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है, जो कि स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कुट्टू के आटे में कैल्शियम पाया जाता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती है। कहा जाता है कि व्रत रखने के कुछ फायदे भी होते हैं। व्रत रखने से न सिर्फ पित्त का प्रकोप कम होता है, बल्कि पाचन तंत्र में भी सुधार आता है। इसके साथ ही 9 दिन में शरीर के सारे विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। दिल्ली से अपर्णा त्यागी के साथ टीम न्यूज नेशन। नवरात्र में रखे जाने वाले उपवास के दौरान लोग सिंघाड़े के आटे का भी उपयोग करते हैं। सिंघाड़े के आटे में फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। व्रत के समय में इसे खाने का मतलब है शरीर के लिए पोषक तत्वों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना। आस्था, आराधना और भक्ति की तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही हैं। हर ओर देवी दुर्गा के भक्त अपने आराध्य को खुश करने की कोशिशों में जुटे हैं। मंदिरों में माता की पूजा अर्चना हो रही है, घरों में भक्त पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई निर्जला उपवास कर देवी माँ की आराधना कर रहा है, तो कोई फलाहार करके। व्रत में पूरा दिन फलाहार खाने के बाद जब रात में भूख लगती है, तो लोग या तो कुट्टू के आटे के अलावा सिंघाड़े के आटे से बनी पूरियां भी खाते हैं। असल में ये आटा सूखे पीसे सिंघाड़े से बनता है। इसमें पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि सोडियम और चिकनाई की मात्रा कम होती है। सिंघाड़ा एक तरह का फल होता है, जिसमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। व्रत के समय इसे खाने का मतलब है शरीर के पोषक तत्वों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करना। देखिए, फलहार में यूजुअली लोग हम फल खाते हैं या हम कुछ ऐसी तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर हम ऐसी चीज़ें खाएं जो कि हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, मतलब डिहाइड्रेटेड कंडीशन में, पानी बॉडी में से कम ना होने दें, तो ऐसी चीज़ें लें जिससे कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, प्लस हमारी बॉडी में
ऐसा सॉल्ट जाता रहे ताकि हमारे को वीकनेस जैसी चीज़ें महसूस ना हो। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आराम से आप अच्छा, और फास्टिंग तो एक तरीके से बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन जैसी चीज़ भी अपने अंदर और कंट्रोल भी लाने के काफ़ी मदद करता है। दरअसल सिंघाड़ा भी अन्न नहीं होता, ये फल होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल फलाहार में किया जाता है। अंग्रेजी में इसे वाटर चेस्टनट कहते हैं और इसे छीलकर सुखाकर पीस लेते हैं, जो नवरात्रि में व्रत का सहारा बनता है। सिंघाड़े के आटे में बाकी के नट्स जैसा फैट नहीं होता। प्रति 100 ग्राम में 115 कैलोरी होती है, जो शरीर को ऊर्जा देने का बेहतरीन स्रोत है। सिंघाड़े में विटामिन ए, बी और सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ये पित्त और कफ को खत्म करता है। गले से जुड़ी तमाम तरह के बीमारियों में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसमें आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होने की वजह से ये घेंघा रोग में फायदा करता है। जो लोग अस्थमा के रोगी हैं उनके लिए सिंघाड़ा वरदान से कम नहीं है। उपवास कर रहे व्रती अगर सिंघाड़े की रोटी बना रहे हैं तो उस पर हाई ट्रांस फैट वाले तेल का प्रयोग नहीं करें। डॉक्टरों के मुताबिक सिंघाड़े के आटे से बनने वाली तली हुई पूरियां या पराठे खाने से परहेज करना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। तो हम आपको बता रहे हैं व्रत के दौरान कैसा होना चाहिए आपका आहार, बने रहिए हमारे साथ।